17वीं पुरुष एवं 13वीं महिला फेडरेशन कप साइकिल पोलो प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को भिलाई में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि रमन सिंह सबसे पहले फाइनल महिला और पुरुष टीम से मिले एवं सभी खिलाड़ियों को बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। तत्पश्चात महिला और पुरुष दोनों वर्ग का फाइनल मैच खेला गया। शुक्रवार को हुए फेडरेशन कप साइकिल पोलो प्रतियोगिता के समापन के दिन बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ सरकार के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित हुए, जिनका स्वागत आयोजकों द्वारा गर्मजोशी के साथ किया गया। तत्पश्चात मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्पहार अर्पित कर समापन के दिन होने वाले दोनों फाइनल मैचों के प्रतिभागियों से परिचय लेकर फाइनल मुकाबला आरम्भ किया गया। महिला वर्ग फाइनल में छत्तीसगढ़ ने केरल को 16-4 से हराया। वहीं पुरुष वर्ग में इंडियन एयरफोर्स ने टेरिटोरियल आर्मी को 15-6 से हराया। वहीं दिन का पहला मुकाबला तीसरे स्थान के लिए खेला गया, जिसमें छत्तीसगढ़ ने इंडियन आर्मी को 11-8 से शिकस्त दी। समारोह के मुख्य अतिथि रमन सिंह ने अपने भाषण में सबसे पहले साइकिल पोलो के 2005-2006 में हुए भारत और पाकिस्तान के मैच के बारे में बताया। उस रोमांचक मुकाबले में भारत की जीत हुई, आज तक यह याद है उन्हें। और छत्तीसगढ़ की महिला टीम के खेल को देखते हुए ऐसा लगता है ये बालिकाएं भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। वहीं पुरुष वर्ग में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त होने पर और अधिक मेहनत करने की बातें कही गईं। पुरुष वर्ग के फाइनल मैच में उप विजेता टेरिटोरियल आर्मी एवं विजेता टीम इंडियन एयरफोर्स को बधाई दी गई। छत्तीसगढ़ के सभी खेल के खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार पहले की तरह सभी खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेंगी और साइकिल पोलो के इस अविस्मरणीय आयोजन के लिए एसोसिएशन के सभी सदस्य एवं भिलाई स्टील प्लांट को साधुवाद दिया। साथ ही एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव एवं नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने आयोजन की जानकारी उपलब्ध कराई। मैं उस आयोजन में उपस्थित था। पाकिस्तान और भारत के बीच साइकिल पोलो का आयोजन हुआ, जिसमें भारत विजयी हुआ। तो निश्चित रूप से वहाँ से लेकर आज तक ये टीम काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में 7 और 9 गोल्ड मेडल ले चुकी है। और ये निश्चित रूप से भारत में बढ़ते हुए खेल के प्रति भावना और साइकिल पोलो के प्रति रुझान है। भिलाई ने शानदार आयोजन किया, सेल की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। साइकिल पोलो संघ के अध्यक्ष रमेश श्रीवास्तव को और पूरी टीम को बधाई। डॉक्टर साहब ने जो है उसको लेकर आज समापन कार्यक्रम में प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी आए थे, क्योंकि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम उनका आगमन था। और मुझे क्योंकि शहर में एक जिम्मेदारी एक दायित्व दिया हुआ है महापौर का, उस नाते मेरी उपस्थिति यहाँ। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे भिलाई वासियों को मैं नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ये हम लोग के लिए बड़े हर्ष और खुशी की बात है कि 10 साल बाद ये 17वीं मेंस एवं 13वीं वुमेन्स फेडरेशन कप, जो फेडरेशन नेशनल साइकिल पोलो चैम्पियनशिप, यहां पर संपन्न हुआ भिलाई में। और इसमें पूरी टीम ने बहुत सहयोग दिया और ये पूरा खेल श्री चन्नावर जी के निर्देशन में हुआ है, डायरेक्शन में हुआ है और उनका मार्गदर्शन हम पूरी टीम को मिला। मैं तो मात्र अध्यक्ष था, लेकिन जो मेरे जो सहयोगी थे, जैसे हमारे भाई बेदी जी हैं, बेदी जी के सहयोग से पूरे मेडल्स वगैरह की व्यवस्था हुई। भाई हमारे अतुल भाई हैं जो साइकिल खेलते हैं, तो वो उस साइकिल चलाने के लिए हमको स्पेयर में साइकिल रखना पड़ता, तो 8-10 साइकिल इनके तरफ से स्पॉन्सर किया गया। राजेश भाई पूरा मीडिया संभाले और भी हमारे जो साथीगढ़ थे, उन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमें को सहयोग दिया है। देखिए, रमन सिंह जी एक सर्वमान्य नेता हैं और वो छत्तीसगढ़ के स्तंभ हैं। कोई भी राजनीति वहीं से चालू होती है और वहीं से ख़त्म होती है। तो डॉक्टर रमन सिंह जी का भिलाई आगमन, वो भी प्रथम बार जब वो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं उसके बाद यदि प्रथम आगमन, ये हम लोग के लिए बहुत गौरव और मनोबल प्रदान करता है कि हमारे साथ वो कितने सशक्त और सही ढंग से खड़े हुए हैं और खेल के विकास और प्रोत्साहन के लिए कितना वो जो हम लोग के लिए मदद कर रहे हैं। देखिए, ये प्रतियोगिता साल में एक बार होती है, फेडरेशन कप, और जो भी प्रदेश उसको लेता है वहाँ पर उस प्रदेश की जो टीम है वो उसको आयोजित करती। इस बार छत्तीसगढ़ ने लिया तो छत्तीसगढ़ ने आयोजन किया। 8-8 टीम आई थी, 8 टीम जो वेस्ट बंगाल,
तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री, ये सब जगहों से 8 टीम लड़कियों की आई थी, 8 टीम लड़कों की आई थी। जी सर, बताएंगे जो खेले, हारे या इस पार्टिसिपेट किए, सारे लोगों को मेडल मिले, एक यहाँ से एक स्मृति चिन्ह लेके जाए, कम से कम उनको यादगार रहे कि भिलाई आए थे। और छत्तीसगढ़ में ये मेडल लेके ऐसा पहला बार होगा कि सारे हर खिलाड़ी को मेडल मिला, चाहे जीते चाहे हारे, जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, खेला और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया यहाँ से, और पूरे देश की टीम आई यहाँ पे। इसलिए सर, कि आप समाज सेवा से काम करते हैं? मैं वर्तमान में वैसे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उद्योग चैम्बर का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हम लोग जब हमारी जो मीटिंग हुई थी, हमारे अध्यक्ष, मैं छत्तीसगढ़ इस साइकिल पोलो में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अतुल चंद साहू जी मैं वाइस प्रेसिडेंट है, राजेश हमारे मीडिया प्रभारी और रमेश श्रीवास्तव जी हमारे प्रेसिडेंट हैं। जब ये हमारी मीटिंग हुई कि मेडल देना है, सबको देना है, तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि भिलाई पूरे देश का एक ऐसी जगह जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है, और सारे देश की यहाँ पर टीम आ रही है, और मेडल तो सिर्फ जीतने वाला ही व्यक्ति या जीतने वाली टीम लेती है। तो हमारे अध्यक्ष महोदय का एक इच्छा ये व्यक्त हुई कि 17वें पुरुष एवं 13वीं महिला फेडरेशन कप साइकिल पोलो में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दोनों ही टीमों ने कप्तान ने आयोजन की दिल से सराहना की एवं अपने अपने अनुभव साझा किए। नाम बताइए। मेरा नाम खुशबू निषाद है, मैं छत्तीसगढ़ के लिए खेलती हूँ, प्रॉपर जी भिलाई में हूँ, मरोदा स्टेशन मरोदा से, और हम लोग सब मतलब गरीब परिवार से हैं। मुश्किल तो हमेशा रहता है, लेकिन वो मेहनत के ऊपर रहता है, प्रैक्टिस के ऊपर। इसमें सब योगदान दिए, प्रैक्टिस में सबका योगदान है, तभी अपन हम लोग जीते हैं। क्या आपको लग रहा था कि आप फर्स्ट प्राइज ले पाएंगी? हाँ, लग तो रहा था, लेकिन उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए, लेकिन पहले से मतलब ऐसा होता है। कितने राउंड में आपको ऐसा लगा कि हमारी जीत तय है? हम लोग पहले राउंड से ही अपना लीड बना के चल रहे थे जी, और लास्ट राउंड तक लीड बना के ही चल रहे हैं। जीत का श्रेय अपन सब प्लेयर है और चिन्नावर सर। तैयारी तो भैया लोग कराए हैं और इसमें सर भी बड़ा योगदान दिए हैं और सब प्रैक्टिस में आते थे। आगे जाके तो गवर्नमेंट जॉब, आगे भी गोल्ड मेडल ही रहेगा। बहुत अच्छा अब लग रहा है टीम, जिस तरह टीम हमने जो स्ट्रैटेजी बनाया था बाहर, जिस तरह हम लोग कभी कभी क्या होता है कि बाहर बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बनाते हैं लेकिन वो अंदर में उसको वो नहीं कर पाते हम लोग, तो लेकिन आज पूरा सारे प्लेयर्स पूरा जान लगा दिया है, जो हमारे साथ में जो बाहर से जो प्लेयर्स है, सपोर्ट स्टाफ हमारा है, वो सारे लोग पूरा मतलब जान लगाए, उसका रिजल्ट अल्टीमेटली रिजल्ट हम लोगों को मिल गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। भिलाई में हम लोग करीब 10 या 13 साल बाद में ये चैम्पियनशिप हुआ है और इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ है, यहाँ का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सब कुछ बहुत बढ़िया अरेंज किया है। बहुत कुछ ऑब्स्टेकल्स था रिजर्वेशन से लेके, बहुत कुछ ऑब्स्टेकल्स था, लेकिन हमारा जो FACB एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। हमारा सेक्रेटरी, हमारा नोडल ऑफिसर है, वो सारे लोग उनका मतलब हर एक एक मिनट में हर चीज़ में कोई भी चीज़ चाहिए हर चीज़ फुलफिल किया है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है वो सबका, और सारे लोगों का एक क्या बोलता है एक अल्टीमेट सारे लोगों का एक मिलजुल के जो हमारा पूरा जो एफर्ट्स था उसका नतीजा है ये ट्रॉफी। ऐसे तो कोई भी चक्कर में फील नहीं हुआ, मतलब क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ऐसे तो कोई भी चक्कर में फील हुआ नहीं, लेकिन मन में ये था कि हाँ 5-6 गोल का लीड हो गया तो जीत जाएंगे लास्ट चक्कर थर्ड चक्कर में, ऐसा थोड़ा उम्मीद था। और पहले चक्कर में भी 4 गोल का लीड था, सेकंड चक्कर में भी करीब 5 गोल का लीड हो गया था, फिर थर्ड चक्कर में 6 गोल का और लास्ट चक्कर में 9 गोल का लीड से। लास्ट ईयर भी हम लोग कोयम्बतूर में जो फेडरेशन कप हुआ था उसमें भी हम लोग गोल्ड मेडल था, उससे पहले डेहराडून में हम लोग सिल्वर मेडल था, उससे पहले चंडीगढ़ में हम लोग गोल्ड मेडल था। तो ये लास्ट ईयर भी हम वो है, अभी कोशिश रहेगी कि एक हैट्रिक हो जाए, अगले साल भी जीत जाए, तो पूरा कोशिश करेंगे हम लोग पूरा टीम में लेके। साल की शुरुआत गोल्ड मेडल से। एब्सोल्युटली, ये मतलब बोलने वाला था मैं उस समय तक, आपने बोल दिया। मैं लड़कों को पूरा मेरा एक रिक्वेस्ट यही था पूरे टीम से कि यार साल मतलब नया साल है, कोई डाउट नहीं, मतलब अगर कोई एक आदमी बोले कि हाँ ये है तो वो है, बस कोई कमी नहीं है, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया है। मैं बताया ना 13 साल बाद में हम लोग रेगुलर यहाँ पे पहले होते थे, 10 या 13 साल बाद में यहाँ पे चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में हो रहे इस राष्ट्रीय आयोजन में भिलाई इस्पात संयंत्र साइकिल पोलो क्लब के अध्यक्ष व ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव परविंदर सिंह के साथ छत्तीसगढ़ साइकिल पोलो एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण अपने अध्यक्ष डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव के संग उपस्थित रहे थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।